सो हेलो फ्रेंड्स, मैंने आप सबको बताया था कि आखिर आप एग्जाम में कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हो, यानी एक टॉपर्स कैसे आंसर लिखता है एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बहुत सारे टिप्स भी बताया था कि आखिर एग्जाम में आपको आंसर कैसे लिखना है, कि एक एग्जामिनर क्या चाहता है और वो आंसर आप कैसे लिखो, यानी जो एग्जामिनर आंसर चाहता है क्या अगर आपने वैसा लिखा है तो आपके भी फुल में से फुल मार्क्स आने कन्फर्म है। तो हम आज आपको लेकर आए हैं झारखंड बोर्ड के टॉपर्स का आंसर सीट, जहां पर आपको बताएंगे कि आखिर एक टॉपर्स ने आंसर कैसा लिखा था। ठीक है, तो ये देखो, ये इंटरमीडिएट परीक्षा झारखंड बोर्ड का कॉपी है। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ देखोगे कि जो भी स्टूडेंट था उसको आउट ऑफ 70 70 में से 65 मार्क्स मिले हैं, यानी 20 में से 65 मार्क्स मिले हैं और बाकी प्रैक्टिकल में जो उन्हें अलग से मार्क्स मिलेगा वो अलग। ठीक है, अब बात करते हैं, इसके बाद आगे बात करते हैं हम कि आखिर उसने आंसर कैसे लिखा था। तो सब हम आगे देखते हैं। इसके बाद ये रहा, है ना, ये क्या था, ये उनका शायद वन मार्क का क्वेश्चन था, यानी आपको ये शायद उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, एमसीक्यू क्वेश्चन था। उसने स्टूडेंट ने क्या किया है, उसने ये एमसीक्यू लिखा है। क्या किया है, बस देखो, बस आंसर लिखा नहीं, उसने सिर्फ ऑप्शन भी नहीं लिखा है, इसने ऑप्शन के साथ उसका आंसर भी लिखा है। वैसे इस बार आपका झारखंड बोर्ड में एमसीक्यू होने वाला है, तो आपको तो ओएमआर सीट मिल जाएगी, तो वहां पर आपको आंसर लिखने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ए बी सी डी यानी करेक्ट ऑप्शन ही लिखना है। तो ये एक तरीका आप देख सकते हो कि उसने कैसा आंसर लिखा था। आपको यहाँ पर सब कुछ दिख रहा होगा कि उसने आंसर किस तरीके से लिखा है। बात करते हैं, हम नेक्स्ट पेज जाते हैं, तो देखो उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 15 तक उसका आंसर कम्प्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो, उसने जो मैंने आपको तरीका बताया था क्या स्टूडेंट ने वो चीज फॉलो किया है। तो आप देखना यहाँ पर कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या है, उसने वहां पर लिखा है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसके बाद उसने क्या किया, देखो उसने पहली बार डायग्राम किससे बनाया, पेंसिल से। तो मैंने भी आपसे कहा है कि डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाया करो। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और आपको और दिख रहा होगा, जो मैंने आपको बताया था अंडरलाइन करना, है ना। देखो ये जब से सेंटेंस लिखा उसका, उसने कुछ अंडरलाइन किया यहाँ पर, यानी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको वो अंडरलाइन कर देता है, क्योंकि एक एग्जामिनर भी यही चाहता है, उसे वो पूरा आंसर पढ़ने का टाइम नहीं है, तो वो चाहता है कि आखिर इसका मेन कंसेप्ट क्या है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मेन प्रॉपर्टी क्या है, उसमें से भी कुछ जो अंडरलाइन है वो आपको ऐसे करना पड़ेगा, जैसे कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट, है ना, यानी टेंजेंट जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बस यही तो है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसने क्या किया है, कुछ इस टाइप से चीजों को अंडरलाइन किया, यानी इट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से ओरिजिनेट करता है, पॉजिटिव चार्ज से, और कहाँ टर्मिनेट करता है, नेगेटिव चार्ज पर। तो उसने इस चीजों को ऐसे अंडरलाइन कर दिया है। बाकी पॉइंट्स भी आपको लिखने हैं, लेकिन ये पॉइंट को आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे अंडरलाइन करना पड़ेगा। बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे आओ, तो देखो उसने भी लिखा है ईएमएफ सेल, उसने भी अच्छे से चीज लिखा है। जब उसमें कहा गया है डिफरेंशिएट करने, तो उसने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया है, और देखो फिर से उसने जब उसे डिफरेंशिएट किया है तो वहां पर देखोगे फिर से उसने यहाँ पर कुछ अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, तो जो मैं आपको बता रहा था वो चीज ये स्टूडेंट्स ने सारा चीज अप्लाई किया है। यहाँ देखोगे इट ऑलवेज हायर, है ना, तो यहाँ हायर के नीचे उसने अंडरलाइन किया है, और आपका जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का लिखा है डिफरेंस, उसने लिखा है कि इट इज ऑलवेज लोअर देन द ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो उसने क्या किया, यहाँ पर लोअर के नीचे एक अंडरलाइन लगा दिया है, ताकि एग्जामिनर को ज्यादा आंसर पढ़ने की जरूरत ना पड़े और ऐसे लिखे। एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप सभी को पता होगा, जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, कॉपी में कट मार्क कम से कम हो, यानी स्टार्टिंग आपका कट मार्क नहीं हो। देखो स्टूडेंट ने कितनी साफ सुथरी कॉपी लिखी है, यानी उसने चीजों को लिख कर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है ना। मैं तो बार बार आपको यही कहता हूँ, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, चाहे साइंस आर्ट्स कॉमर्स क्लास 10th, कोई भी क्लास के स्टूडेंट क्यों ना हो, कॉपी हमेशा साफ सुथरा लिखा करो। राइटिंग से बहुत मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन साफ सुथरी होनी चाहिए, और चीजों को ऐसे अंडरलाइन करके लिखा करो। दिख रहा होगा जैसे यहाँ पर क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, यानी क्रिटिकल एंगल कब होता है, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। चलो इसके बाद आगे करते बात करते थोड़ा सा, देखो फिर उसके बाद ने क्या किया, उसने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, डायग्राम को फिर से बनाया पेंसिल से, जो फाइनल जो आपका डेरिवेशन आता है उसको उसने बॉक्स के अंदर लिखा है, यानी ये चीज आपको अप्लाई करनी है। बाकी यहाँ पर उसने सब कुछ क्या किया है, उसने अंडरलाइन किया हुआ है कि कब, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, उसके अलावा आपको मास इफेक्ट इस बार नहीं पढ़ना है। तो हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, बात करते हैं फिर से, देखो कोशेंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, जब भी उसने पूछा गया तो उसने फॉर्मूला को क्या लिखा है, हमेशा ऐसे अंडरलाइन किया है। ठीक है, तो ये चीज था जो आपको मुझे कुछ कुछ चीजें बताना था। आगे हम आते हैं थोड़ा, देखो उसने फिर से यहाँ पर उसने क्या किया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जब उसने बनाया है तो उसने दो कॉइल को हमेशा पेंसिल से बनाया है डायग्राम।
तो ये चीज भी आपको, मैंने कहा, बार बार करना है। जैसे उनके में एक बार पूछा गया था रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, है ना, ये 20 बार आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है। जिस साल पूछा गया था तो उसने बड़े अच्छे से चीजों को अंडरलाइन किया है, देखो कुछ कुछ पॉइंट्स को उसने अंडरलाइन कर दिया ऐसे। तो ये चीज मैं आपको कह रहा हूँ, आप भी प्रैक्टिस करो, और मैंने आपको भी तरीका सिखाया कि कैसे अंडरलाइन किया जाता है। आप मेरा जाता वीडियो देख सकते हो कैसे एक अच्छा आंसर लिखा जाता है, दिख रहा होगा फिर से। ये से जिस देखो यहाँ पर ये जीनर डायोड, ठीक है, तो जीनर डायोड कैसे वर्क करता है, तो ये वर्क करता है रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में। तो उसने क्या किया, उसने यहाँ से अंडरलाइन कर दिया, ठीक। और क्या ये कैसे वर्क करता है, ये मेंटेन करता है नियरली कॉन्स्टेंट वोल्टेज, तो उसने क्या किया, उसको भी उसने अंडरलाइन कर दिया। डायग्राम को देखोगे उसने बहुत ही खूबसूरती से पेंसिल से बनाया है ना, एकदम साफ सुथरा, ठीक है। ये देखोगे ये कैसे वर्क करता है जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, तो जब ये रिवर्स बायस में वर्क करता है, तो यहाँ रिवर्स बायस के सामने उसने अंडरलाइन कर दिया है। आगे बात करें तो देखो उसने बड़े अच्छे से सब चीज उसने अंडरलाइन करके लिखा है। तो आप ये चीजों को वीडियो को पॉज करके देखना, समझना कि उसने कहाँ कहाँ अंडरलाइन किया है, इससे भी आपको आइडिया यहाँ पर मिलेगा। बात समझा गई, देखो उसने ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को उसने क्या किया, फिर यहाँ उसने एक डायग्राम बनाया है। मैंने भी अपने नोट्स में बड़े आपको अच्छे अच्छे मैंने आपको डायग्राम बनाना सिखाया है कि कैसे आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। यानी आप हमारा जो नोट्स देखोगे वो मैं एक बड़े अच्छे तरीके से लिखा हूँ, है ना, और ये जिस भी टॉपर्स का क्वेश्चन है वो भी उसने बड़े अच्छे से आंसर लिखा है, ठीक है। अब व्हाट इज बूस्टर्स लॉ उसने भी लिखा है, कब होता है ये, ठीक है। डायग्राम उसने पेंसिल से बनाया है, वीडियो को आपको देखना है, कॉपी को अच्छे से देखना है कि उसने कैसे कैसे चीजों को लिखा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल है जो उसने कॉपी में आंसर को लिखा है। देखोगे हर पेज में गलती बहुत कम है, मतलब उसने कट मार्क कहीं भी नहीं लगा, यानी गलत करके उसको काटा कहीं नहीं है, है ना। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है हमेशा। दिख रहा होगा यहाँ पर सब कुछ, उसने क्या क्या चीज होता है, सब कुछ उसने पेंसिल से लिखा है, सब कुछ बड़ा साफ सुथरा लिखा है वहां पर, ठीक है। तो एग्जामिनर, मैंने क्या कहा, एग्जामिनर ही तो चाहता है, ठीक है। देखो उसने आया था स्फेरिकल रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, क्या क्या उसने यहाँ पर बड़े खूबसूरती से पेंसिल से डायग्राम बनाया, ठीक। पूरा उसने डेरिवेशन किया है, अच्छे तरीके से लिखा है डेरिवेशन, जो मैंने भी आपको कुछ इसी तरीके से बताया है। स्टार्टिंग के देखो इंट्रो, बहुत कहानी नहीं लिखी हुई है, छोटी सी 2 सेंटेंस में उसने खत्म कर दिया चीजों को। बाकी डेरिवेशन में जो जो चीज आपने यूज किया है, ओ ए क्या है, आई क्या है, ए क्या है, ठीक है, आर क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, उसने सब एंगल यहाँ पर लिख दिया अच्छे से। देखो कितनी खूबसूरती से उसने सब सारा का सारा डेरिवेशन किया हुआ है। बात समझ आ रही है यहाँ पर, दिख रहा किस तरह से उसने आंसर की चीजों को ऐसे लिखा है। तो वीडियो को पॉज करके क्या करना है, आपको आंसर देखना है, ठीक है। ये तो पहले का पेपर था, उसमें 100% क्वेश्चन आया था, आपके इस बाकी सिलेबस में सिर्फ 50% ही, यानी टर्म टू में सिर्फ 50% कोर्स ही आएगा। तो आपको आंसर अपने अकॉर्डिंग लिखना है, जो मैंने आपको भी बताया है कैसे आंसर लिखा जाता है, और मैंने पीडीएफ भी आपको मैं देता हूँ, चाहे तो आप हमारा जाकर वीडियो देख सकते हो। मैंने वीडियो में भी आपको दिखाया है कि कैसे हम अंडरलाइन करना सीखते हैं, यानी परीक्षा में आंसर कैसे लिखा जाता है, ये आप मेरा वीडियो जाकर सर्च कर सकते हो, और एक और वीडियो मेरा देख सकते हो कि एग्जामिनर कैसे आंसर चेक करता है। दिख रहा होगा कैसे उसने डायग्राम बनाया पेंसिल से, सब कुछ साफ सुथरा, है ना। कुछ इसी तरीके से आपको भी चीजें वहां पर बनानी है। दिख रहा है कितने अच्छे से सब कुछ उसने लिखा है। देखो जैसे आपका माइक्रोवेव क्या होता है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लिखा, इसके 2 यूज क्या होता है, तो ओवन में जो होता है, रडार सिस्टम जो होता है, तो क्या किया उसने, ओवन के नीचे अंडरलाइन कर दिया और रडार के नीचे उसने अंडरलाइन कर दिया है। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को देखने में कोई दिक्कत नहीं होती, वो क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ लेता है ना, और जो उसे चाहिए होता है वो उसे साफ साफ मिल जाता है। जैसे इसने कुछ ट्रांजिस्टर्स के बारे में आया था, 20 साल आपके सिलेबस में नहीं है, तो वहां पर उसने क्या किया, बड़े अच्छे तरीके से उसने सब कुछ को यहाँ पर क्या किया है, अंडरलाइन करके लिखा है, ठीक है। तो ये क्या था, ये था हमारा आज टॉपर्स का आंसर शीट, कि कैसे आंसर टॉपर्स लिखते हैं। बाकी और भी हम अदर सब्जेक्ट्स के भी आपको हम इस तरह आंसर शीट लाएंगे, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, मैथमेटिक्स के हो, इवन आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, तो ये सबके लिए है। क्लास 10th का भी हम आपको आंसर शीट लाएंगे, इसी तरह आपको बताएंगे कैसे आंसर लिखा जाता है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स 10th में हो, 11th में हो, 9th में, ये सबके लिए वीडियो है ना, सबको दिखना पड़ेगा कि आखिर आंसर कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो बाकी जो भी कुछ होगा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे, तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल के नीचे दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, आप चाहे तो प्रेस भी कर सकते हैं।